संध्या हो चली थी। बादशाह के आदमी महल की ओर लौट रहे थे। उन्होंने एक आदमी को सड़क से आते देखा। वह जोर जोर से गाना गाते हुए आ रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, परंतु वह सुखी मालूम होता था। पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं ना तो चोर हूँ ना आलसी। मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ। मैं ईश्वर से डरता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, तब क्यों ना सुखी हों। यह सुनकर बादशाह के आदमी उस व्यक्ति को महल में ले गए और उसे बादशाह के सामने पेश किया। उसके सुखी होने का कारण मालूम होने पर बादशाह ने कहा, मुझे आज पता चला कि मेहनती आदमी ही सुख का वास्तविक आनंद उठा सकता है। सचमुच यह नगर का सबसे सुखी आदमी है। और उसी दिन से बादशाह ने एक मेहनती आदमी का जीवन व्यतीत करने की शपथ ले ली। अब ट्रांसलेट देखते हैं। इट वाज बिकमिंग इवनिंग या फिर इट वाज इवनिंग द मैन ऑफ द एम्परर वर रिटर्निंग टुवर्ड्स द पैलेस। दे नोटिस्ड ए मैन कमिंग अलॉन्ग द रोड। ही वाज कमिंग सिंगिंग लाउडली। हिज गारमेंट्स वर डस्टी एंड डर्टी बट ही अपीयर्ड हैप्पी। ऑन इंक्वायरी ही रिप्लाइड, आई एम नाइदर थीफ नॉर आइडल। आई डू नॉट डू इविल टू एनीबडी। आई एम अफ्रेड ऑफ गॉड। आई एम विथाउट वरी, देन व्हाई आई शुड नॉट बी हैप्पी। ऑन हियरिंग दिस द मैन ऑफ द एम्परर ब्रॉट दैट मैन टू द पैलेस एंड प्रेजेंटेड हिम बिफोर द एम्परर। ऑन नोविंग द रीजन ऑफ हिज बींग हैप्पी द एम्परर सेड, टुडे आई केम टू नो दैट ओनली एन इंडस्ट्रियस मैन कैन फील द एक्चुअल लीजर एंड प्लीजर ऑफ बीइंग हैप्पी। इंडीड दिस मैन इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द सिटी। थेंसफोर्थ द एम्परर टूक एन ओथ इन हिज माइंड टू लीड ए लाइफ ऑफ एन इंडस्ट्रियस मैन।